हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 22। आज हम देखते हैं कि हम CSS एंड JS की फाइल्स को जो है वो कैसे लोड करवाते हैं या कैसे अटैच करवाते हैं इन कोडिंग नाइटर। ठीक है, आपको पता है कि हमारी कोडिंग नाइटर की सीरीज़ चल रही है एंड हम जो है उसी पे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम अटैच करवाना चाहते हैं अपनी CSS एंड JS की फाइल। आपको पता है कि अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग या एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम किया हुआ है तो इन कोर में जो आपकी बेसिक्स हैं वहाँ वहीं पे आपका जो है कोई फोल्डर बना हुआ होगा एंड देन वहीं से आप जो है फाइल्स अटैच करवा रहे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है इसी वजह से। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा रूट है, ये देखें CI फोल्डर के अंदर ये पूरे का पूरा हमारा रूट है, इसी वजह से सारी की सारी फाइल्स यहाँ रखी हुई हैं। अगर हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं एसेट्स का, ठीक है, उस एसेट्स के अंदर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं CSS का, हम थोड़ा सा इसे जो है वो लार्ज कर देते हैं एंड एक फोल्डर बनाते हैं हम JS का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक CSS की फाइल बनाते हैं और एक JS की फाइल बनाते हैं। फिलहाल के लिए हम CSS की फाइल बनाते हैं style.css के नाम से फाइल बनाते हैं, लेकिन मेक श्योर ये आपके रूट फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर अभी हमने जो बनाया था वो एंड अभी हमने जो CSS की फाइल बनाई थी, बिकॉज CSS की फाइल आप CSS के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, CSS की फाइल आपकी बनी एंड अब हम बनाएंगे एक JS की फाइल। ठीक है, माई JS या script.js के नाम से। ठीक है, मेक श्योर JS की फाइल JS के अंदर जाएगी, बट रूट में एसेट्स के अंदर JS फोल्डर के अंदर JS की फाइल हम रख रहे हैं। ठीक है, हम फिलहाल के लिए यहाँ पे H1 डिफाइन करते हैं ताकि हम आपको दिखाएं। ठीक है, H1 वेलकम इन Shakzi। ठीक है, वापस जाते हैं हम अपना जो होम कंट्रोलर है हमारा उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, बिकॉज हम जस्ट अपने कंट्रोलर का नाम दे रहे हैं, या हम index.php दें, index.php देने के बाद हम होम बात एक ही है। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं, बट index.php बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ज़रूर दें ताकि आपको पता चले कि बीच में भी जो है index.php आती है। index.php कैसे रिमूव होती है ये हम अपने जब हमारी सीरीज़ बहुत कुछ आगे चली जाएगी 30-40 लेक्चर्स हो जाएंगे फिर हम बताएंगे आपको कि ये index.php कैसे रिमूव की जाती है। फिलहाल के लिए विंडोज़ पे तो ये चल रही है, लेकिन जैसे ही ये जो है लिनक्स पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगी तो मे बी ये आपको एरर जो है जनरेट करके दे, बिकॉज एरर आपको ज़रूर जो है जनरेट करके देगा लिनक्स। फ़िलहाल के लिए आते हैं हम स्टाइल करते हैं। आपको पता है कि स्टाइल कैसे की जाती है, स्टाइल फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि जितने भी H1 हैं उन्हें क्या करो, कलर कर दो रेड। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, बिकॉज कलर रेड नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, आपको पता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कंसोल में कोई भी एरर नहीं है, बिकॉज हमने CSS की फाइल अभी तक लोड ही नहीं करवाई। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाहिर सी बात है हम यहाँ पे हैं, हम हेल्पर यूज़ करेंगे, URL हेल्पर। आप पे डिपेंड करता है कि इसे ऑटो लोड पे रखें या उस फंक्शन के अंदर रखें जहाँ पे इसे यूज़ करवा रहे हैं आप। ठीक है, तो मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऑटो लोड पे नहीं रखा हुआ, दैट्स व्हाई यहीं पे यूज़ करने का मतलब ये है कि ये इंडेक्स पे ही चलेगा, मींस होम कंट्रोलर पे चलेगा, ये टेस्टिंग फंक्शन पे नहीं चलेगा URL हेल्पर। ठीक है, अगर आपको ग्लोबली अवेलेबल चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए इसकी, तो आप इसे ऑटो लोड पे अपलोड करेंगे URL हेल्पर को। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने एक व्यू लोड किया हुआ है एंड यहाँ से मैं जस्ट ये डेटा सेंड करवा रहा हूँ व्यू के पास। हमारे पास मॉडल को हम क्लोज करते हैं, home.php के नाम से एक व्यू है जो व्यू फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं वहाँ से कंट्रोलर से एंड ये हम कस्टम बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको पता है कि CSS की फाइल आपकी हेड के अंदर अटैच होती है। हम यहाँ पे आने के बाद लिंक करते हैं
ऐसे ही लिंक रेल मेरे ख्याल में ऐसे स्टाइल शीट और एचरेफ कुछ मेरे ख्याल में ऐसे ही करते हैं। मैं स्टाइलिंग बहुत कम करता हूँ आजकल। एचरेफ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेस यूआरएल, बिकॉज हम कहेंगे कि भाई बेस यूआरएल अब इसका क्या मतलब है, ये अब यहाँ पहुँच जाएगा रूट के अंदर। हम कहते हैं कि रूट के अंदर जाएं और वहाँ पे आपको एक एसेट्स का फोल्डर मिलेगा। एसेट्स के फोल्डर के अंदर CSS का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे style.css की फाइल आपको मिलेगी, वो आप काइंडली लोड कर दें। ठीक है, तो अब हम वापस आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ाइल आपके सक्सेसफुली जो है वो लोड हो चुकी है, बिकॉज हमने स्टाइलिंग जो है वो एक्सटर्नल की हुई है style.css के नाम से। ठीक है, अगर आप पाथ जो है वो गलत देते हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने पाथ गलत दे दिया, रॉन्ग पाथ, मैं कहता हूँ कि css फोल्डर के अंदर एक और css का फोल्डर है, उसके अंदर style.css की फाइल है, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको एक एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज आप पाथ बिल्कुल ठीक नहीं दे रहे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें जो है कैसे ये मैनेज करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये आपकी जो है स्टाइलिंग जो है वो अटैच हो चुकी है। एंड स्क्रिप्टिंग, जब बात स्क्रिप्टिंग की आती है तो आपको पता है कि आपने स्क्रिप्ट लोड करवाना है, तो स्क्रिप्ट जो है वो बॉडी के नीचे ही जो है अटैच होता है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप हेड के अंदर अटैच करवा लें, मैं नॉर्मली जो है बॉडी जहाँ बॉडी एंड होती है मैं वहीं करवाता हूँ। स्क्रिप्ट एंड टाइप जो है इसकी, आई थिंक text/JavaScript एंड href नहीं आएगा, src आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये स्क्रिप्ट की फाइल है। एंड हम php का स्क्रिप्ट लिखते हैं इसके अंदर, एंड हम कहते हैं कि बेस यूआरएल एंड हम कहते हैं कि भाई बेस यूआरएल जैसे ही करेंगे रूट को एक्सेस करेगा, वो एसेट्स का फोल्डर है रूट के अंदर, एंड उसके अंदर js का फोल्डर है, उसके अंदर script.js की फ़ाइल रखी हुई है। हम वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, अगर कंसोल में कोई एरर नहीं, दैट मींस फाइल्स अटैच हो चुकी हैं। व्यू पेज सोर्स को जैसे ही हम करते हैं तो देखें आपकी एक ये फ़ाइल अटैच हो चुकी है, आपकी एक ये फ़ाइल अटैच हो चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि js की फ़ाइल सक्सेसफुली अटैच हो गई? कंसोल में कोई एरर नहीं होगा, दैट मींस js की फ़ाइल सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। अगर देखते हैं, अलर्ट करके देखते हैं हम, वर्किंग, पुराना डायलॉग है मेरा, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो देखेंगे आप वर्किंग। ठीक है, आपकी आपको जो है वो js जो है वो दे रहा है वर्किंग। जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं फाइल को तो आप देखेंगे कि ये वर्किंग का साइन आपको मिल रहा है। तो ये js के अंदर हमने एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग की हुई है, कि फंक्शन लिखा हुआ है हमने js का, तो इसी वजह से यहाँ से ये आ रहा है। तो आपने देखा कि आप जो है वो किस तरीके से जो है css की और js की फाइल्स को जो है अटैच करवाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ही लर्न कर सकें। ठीक है, हमारा मेन मकसद भी आपको यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न करें, एंड जो है इजीली जो है वो लर्न करें, हमारा मेन मकसद आपको यही है। दैट्स व्हाई हम क्वालिटी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या क्वालिटी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं सिंस 3 ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बिल्कुल अपनी फीडबैक तो मुझे बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जिनको जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनको बातें समझ में आ रही हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, मुझे जो है ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, या जो भी आप सजेशन देंगे तो मैं बिल्कुल मुंतज़िर रहूँगा, मैं वेट करता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।